would be moms and dads, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल Twins Mama में। पल में गुस्सा, पल में प्यार, कभी लगता है कि झगड़ लूं और थोड़ी देर बाद ही उसके लिए गिल्टी फील करना। इस टाइप के बिहेवियर को मूड स्विंग कहा जाता है और प्रेगनेंसी में ये काफी आम सी बात है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे ही मूड स्विंग्स के बारे में, इनके कारण क्या होते हैं और किस तरीके से आप इन्हें प्रिवेंट कर सकती हैं, या कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगी जिससे आप इन्हें निपट सकती हैं और अपने पूरी प्रेगनेंसी को एक खुशहाल प्रेगनेंसी बना सकती हैं। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में प्रोजेस्टेरोन और इस्ट्रोजन नामक दो हॉर्मोन्स के बढ़ती हुई मात्रा की वजह से अक्सर ये मूड स्विंग्स एक महिला को होते हैं। इस्ट्रोजन एक महिला के ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करता है जो उनके मूड के साथ रिलेटेड होता है। तो इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, या फिर सडनली गुस्सा होना, या फिर सडनली खुश फील करना, इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत जल्दी ही इधर उधर चेंज होते दिखते हैं इस पर्टिकुलर पीरियड में। इसी के साथ प्रोजेस्टेरोन नामक जो हार्मोन है वो एक महिला को दुख का एहसास दिलाता है या फिर उन्हें लेथार्जिक फील करवाता है। तो ये दो हार्मोन्स बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस तरीके के जो मूड चेंजिंग बिहेवियर के लिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान एक प्रेग्नेंट महिला को काफी स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं और इससे कैसे हम निपट सकते हैं, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उसे जरूर चेक करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी और पेरेंटिंग की अब तक के सफर में मैंने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया है कि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो खुश मिजाज रहना काफी मुश्किल होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके मूड को स्पॉइल करने का या मूड स्विंग्स का एक रीजन हो सकता है मॉर्निंग सिकनेस। ये आपको बहुत थका देता है, बहुत चिड़चिड़ा सा बना देता है। इसी के साथ साथ प्रेगनेंसी एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव आते हैं और इस शारीरिक बदलाव के साथ साथ आपको कई तरीके के फिजिकल पेन्स एंड एक्स भी सताते हैं। तो इस दौरान मानसिक स्थिति का लगातार बदलना एक बहुत ही आम सी बात हो जाती है। थर्ड ट्राइमेस्टर पहुंचते पहुंचते लेबर की टेंशन या डिलीवरी की टेंशन, किस तरीके से डिलीवरी होगी, ये सब सोच सोच के भी एक महिला को एंग्जाइटी हो सकती है और उसके आगे वो एक बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगी, अगर उनके फिनेंशियल हेल्थ में कोई इश्यू है तो उस बारे में सोचकर अनेक चिंताएं होती हैं जो एक महिला को इस दौरान सताती है, जिसकी वजह से उन्हें मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इस दौरान कभी कभी एक महिला खुश हो जाती है ये सोचकर कि बस अब तो बेबी मेरे हाथ में आने वाला है, और कभी कभार यही उनके लिए रात की नींद गायब कर देता है। मेटाबॉलिज्म में भी प्रेगनेंसी के दौरान काफी बदलाव आते हैं जो आपको चिड़चिड़ा महसूस करवा सकता है। यहाँ तक आपको ये तो समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी के दौरान ये मूड स्विंग्स बहुत ही आम सी बात है, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप भी कुछ कर सकते हैं, अपने दिनचर्या में कुछ डिफरेंसेस ला सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और इस तरीके के मूड स्विंग्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, या अगर वो हो रहे हैं तो उनको बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस काफी आम बात है और इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पब्लिश किया है, आप उसे देखें, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपका बॉडी रेस्ट नहीं करता है, फिर ये चिड़चिड़ापन काफी आम सी बात हो जाती है। दूसरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस को शामिल करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम एंडोर्फिन कहते हैं। ये हार्मोन आपको रिलैक्स करता है और खुश महसूस करवाता है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने OBG स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जरूर परमिशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहां शायद एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल मना हो और ये आपके डॉक्टर से बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। एक बार डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, फिर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल सीख कर उसे अपने डेली लाइफ में शामिल कर सकती है। वॉकिंग एक बहुत ही अच्छा और इजी एक्सरसाइज है और सेफ भी होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसके अलावा मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा
अपने मूड पे कंट्रोल पाने का या मूड स्विंग्स को कम करने का। इसके अलावा किस तरीके का खाना आप खा रही हैं, ये भी आपके मूड के ऑल्टरेशंस को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाई कैलोरी फूड्स खा रही हैं तो ये आपके मूड स्विंग्स को बढ़ावा देता है। वहीं आप अगर वेल बैलेंस्ड और पोषक तत्वों से भरपूर खाना खा रही हैं तो आपके मूड स्विंग्स कम दिखते हैं। प्रोटीन युक्त आहार और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने रोज के खाने में शामिल कीजिए, क्योंकि इनमें जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से मेरे व्यूअर्स को ये तो समझ आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान ये जो मूड स्विंग्स होते हैं ये काफी आम सी बात है, लेकिन आप इन्हें प्रिवेंट कर सकती हैं अगर आप एक अच्छी डाइट और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली से जुड़े रहें। अगर आपको कोई बात परेशान कर रही है तो अपने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, दोस्तों से डिस्कस करें। और इन रेयर केसेस अगर इन सारी स्ट्रेटजीज को अपनाने के बावजूद आपको लग रहा है कि आप तनाव मुक्त नहीं है, आपको काफी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर इस बारे में बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले अगर आप ऐसे ही पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। सी यू अगेन विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।